So hi everyone, how are you all? I'm also good. So today we are going to start a new chapter and that is power sharing of class 10. So आज हम ये करेंगे and it is to be so as जैसे कि नाम से आपको clear है power sharing यानी कि sharing of powers. तो यहाँ पर हम कुछ countries का कुछ नहीं only two countries का हम example देखेंगे जहाँ पर powers जो हैं share हुई हैं यानी कि जो government की powers है यानी country को चलाने के लिए जो government के पास जो powers चाहिए होती है वो पार्ट्स को शेयर किया गया है एंड देन कंट्री जो है रन कर रही है. तो यहाँ पे जो दो एग्जांपल्स हैं जिन कंट्रीज के एग्जांपल्स हम देखेंगे दैट इज बेल्जियम एंड श्रीलंका. ठीक है, तो ये दो एग्जांपल्स हैं जिनके हम देखेंगे, जिनके बारे में हम देखेंगे, जिनकी गवर्नमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे एंड इन दोनों कंट्रीज में ऐसा क्या है जो पार्ट्स को शेयर करना पड़ा दो कम्युनिटीज के बीच में या थ्री कम्युनिटीज के बीच में पार्ट्स को शेयरिंग करना पड़ा. सो द शेयरिंग ऑफ पार शेयरिंग बेसिकली क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द डेफिनेशन ऑफ पार शेयरिंग. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोवाइडिंग अ परमानेंट शेयर ऑफ पार्ट्स इन द गवर्नेंस. जैसे मैंने बोला ना आपको कि गवर्नमेंट जो है जो भी गवर्नमेंट है वो तो गवर्नमेंट की जो पार है वो कंट्री में रहने वाले दो तीन कम्युनिटीज के बीच में वो पार्ट्स शेयर हो रही हैं. वो दो तीन कम्युनिटीज जो है मिलके गवर्नमेंट बनाएंगी और गवर्नमेंट को ही ये पार देंगी कि वो कंट्री पर गवर्न करे. ठीक है, दैट मीन्स द पार शेयरिंग. So in the governance or respecting the feeling and interest of different communities and region is known as power sharing. तो different different जो communities के people उनकी country में रहते हैं उनकी feelings उनके को respect करना उनकी ethnicity को respect करना different community के होने पर उनकी respect करना उनको मतलब अलग थलग feel ना कराना. ठीक है, that is a power sharing. So sharing of power among legislature, executive and judiciary. जैसे हमारी country में भी जो government है उसके तीन ऑर्गन्स हैं और ये तीनों ऑर्गन्स जो है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ये इनकी अलग अलग पार्ट्स हैं गवर्नमेंट में और कोई भी एक दूसरे के जो पार्ट्स हैं उनको चेक करता है लेकिन इंटरफेयर नहीं करता कि ये कैसा वर्क कर रहा है ये कैसे वर्क कर रही है लेकिन इंटरफेयर नहीं कर सकता. सबकी अपनी अपनी पार्ट्स हैं और देन गवर्नमेंट जो है रन करती है और गवर्नमेंट फिर कंट्री को रन कराती है. ठीक है, सो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ डेमोक्रेसी जुडिशरी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए. द शेयरिंग ऑफ पावर कैन बिकम अ मेजर फैक्टर फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ कंट्री. और पावर्स का जो शेयर करना पार्ट्स को आपस में पीपल्स के बीच में बिकम अ मेजर फैक्टर फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ कंट्री. ठीक है, डिसइंटीग्रेशन पार्ट्स को शेयर करने में लोगों मतलब कंट्री को डिसइंटीग्रेट करना यानी कंट्री को बांटने में पावर्स को जो हम शेयर करते हैं इसका भी काफी रोल रहता है. इफ पीपल बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट एथिक्स रिलीजन कास्ट. अगर लोग जो हैं डिफरेंट एथिक्स के हैं डिफरेंट रिलीजन के हैं डिफरेंट कास्ट के हैं तो पावर्स को शेयर करना मतलब कुछ पावर्स इनको दे देना इससे कंट्री डिसइंटीग्रेट भी हो सकती है. आर नॉट गिवन प्रॉपर शेयर इन रनिंग द कंट्री. मतलब फिर ये होता है कि जो कम्युनिटी के लोग ज्यादा होते हैं उनके पास ज्यादा पावर जाएगी. इससे ये एक जस्टिस नहीं होगा दूसरी कम्युनिटी के लिए जस्टिस नहीं होगा और प्रॉपर शेयर नहीं होगा कंट्री को चलाने में प्रॉपर शेयर इन रनिंग द कंट्री. सो लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका. सो फर्स्ट वी विल लुक ऑन टू बेल्जियम. इज अ स्मॉल कंट्री इन नॉर्थ वेस्ट यूरोप. नॉर्थ वेस्ट यूरोप में स्मॉल कंट्री है. अभी मैप में यहां पर आपको दिखा दिया जाएगा कि नॉर्थ वेस्ट में यूरोप में एक छोटी सी कंट्री है. इट हैज अ बॉर्डर विद द नेदरलैंड फ्रांस एंड जर्मनी. तो बेल्जियम का मतलब मान लीजिए जस्ट एग्जाम्पल बेल्जियम अगर ये है तो बेल्जियम के जो बॉर्डर्स हैं वो नेदरलैंड फ्रांस और जर्मनी से मीट करते हैं. मान लीजिए ये नेदरलैंड है ये फ्रांस है ठीक है और ये मान लीजिए जर्मनी है. ठीक है, तो नेदरलैंड फ्रांस और जर्मनी से इनके बॉर्डर्स जो है वो मीट कर रहे हैं. ठीक है, मीट करते हैं तीन डिफरेंट कंट्री से इनके बॉर्डर्स जब मीट कर रहे हैं. और यहां पर आप एक चीज और भी देखिए कोई भी कंट्री से अगर दूसरी कंट्री के जब बॉर्डर सटे हुए होते हैं या बॉर्डर मीट करते हैं क्लोजली होते हैं एक दूसरे के तो जो बॉर्डर पर यहां पर जो रहने वाले पीपल होते हैं वहां पर उनका लैंग्वेज वे ऑफ स्टाइल रहना रहन सहन खाना पीना बहुत हद तक एक दूसरे से दूसरी कंट्री से मिलता जुलता रहेगा इन कंपैरिजन. तो जो लोग
मिडल ऑफ द कंट्री में रह रहे हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पर जो बॉर्डर पे, जैसे हम अगर अपने इंडिया की बात करें, इंडिया पाकिस्तान का, जैसे इंडिया पाकिस्तान जिस तरीके से अलग हुआ है, अगर हम वहां उधर साइड का, अगर हम अपनी कंट्री का एग्जाम्पल लेते हैं, तो पाकिस्तान तो हमसे ही अलग हुआ है, ठीक है। तो उनका रहना पीना, खाना पीना, कल्चर उनका हमसे कोई अलग नहीं है, सेम कल्चर है। लेकिन बिकॉज जिन्ना हैज डिमांडेड फॉर अ मुस्लिम कंट्री, तो वहां पर बस मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां के मुस्लिम भी वही खाते पीते हैं, वही रहन सहन है उनका, जो यहाँ के पीपल्स का रहन सहन खाना पीना है, ठीक है। सो वो कोई कल्चर बहुत कोई कुछ डिफरेंट नहीं है, बहुत कुछ अलग नहीं है। लेकिन हाँ, जो बॉर्डर पे, जो मेन जो बॉर्डर है पाकिस्तान इंडिया का, जहां पर मीट करता है रोसी जिसे कहते हैं, वहां पर, और पीओके वाला वो पार्ट जो पाकिस्तान ने कैप्चर किया है, पीओके के लोग जो हमारे जम्मू कश्मीर में जिस तरीके का लोगों का खाना पीना है, वो पीओके पे रहने वाले लोग और पीओके से जो एलओसी पे रहने वाले लोग, इन सब का जो है बिल्कुल मिलता जुलता क्या, बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं है। वहां के जो पीओके में जो लोग रहते हैं, एलओसी बॉर्डर पर जो भी पीपल्स हैं, वो भी कश्मीरी बोलते हैं, डोगरी बोलते हैं, लैंग्वेज प्रॉपर वहां कश्मीरी लैंग्वेज है, ठीक है। वही कश्मीरी लैंग्वेज जो जम्मू कश्मीर में है हमारे, ठीक है। एंड जम्मू कश्मीर के पीपल्स जो खाते पीते हैं, रहना कल्चर जो उनका है, वही उनका भी है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट इज गिवन हियर कि बेल्जियम का जो बॉर्डर है आपका, अगर हम ये बेल्जियम लेते हैं, तो बेल्जियम का बॉर्डर फ्रांस, नीदरलैंड और जर्मनी से जो है वो मिलता है, तीन कंट्री से मिलता है। इट हैज अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटिल ओवर 10 मिलियन। तो बेल्जियम की जो पॉपुलेशन है आपकी, वो करीब 10 मिलियन है, ठीक है। द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स, यानी कि यहाँ पे जो रहने वाले जो पीपल्स हैं, जो एथनिक कॉम्पोजिशन है, वो जो है बहुत ज्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड टाइप है, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ऑफ अ स्मॉल कंट्री, छोटी सी कंट्री है, लेकिन उसमें बहुत सारे डिफरेंट पीपल्स रहते हैं, ठीक है। ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन, वो उनका फ्रांस का जो कल्चर है वो उनके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट किया हुआ है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक और बताती हूँ एग्जाम्पल, टर्की इज अ कंट्री, टर्की जो है वो मुस्लिम कंट्री है, लेकिन पिछले कई सालों पहले, 2017 के आसपास, 17 से भी पहले आई थिंक सो, 2017 से भी पहले, कई 2017 से भी 3-4 साल पहले करीब, देयर इज अ चैनल स्टार्ट ऑन अ ऑन केबल जी पर, एक जिंदगी करके एक चैनल स्टार्ट हुआ था, तो उस चैनल पे पाकिस्तानी सीरियल्स दिखाए जाते थे, बहुत अच्छे होते हैं, नो डाउट पाकिस्तानी हमारा दुश्मन कंट्री है, लिटरली मैं बहुत ही ज्यादा अगेंस्ट रहती हूँ हमेशा, लेकिन फिर भी जो चीज जिस कंट्री में अच्छी है उसे अडॉप्ट करना चाहिए। सेम एज इट इज, अगर कोई इंसान है, कि हम सब भी कोई परफेक्ट नहीं होते हैं, हम सब के अंदर जो है इम्परफेक्शन होता है, नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, ओके। सो लेकिन अगर कोई सामने वाला ऐसा इंसान है जो हमें पसंद, जो हमको पसंद नहीं है वो इंसान, लेकिन उसके अंदर अगर कोई अच्छी चीज है, तो हमको वो अडॉप्ट करनी चाहिए, बाकी एज यू विश, वो आपके ऊपर है। कोई कोई शायद कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाँ, बहुत ज्यादा कोई कोई लोग हमारे बहुत दुश्मन होते हैं, तो हम बहुत ही ज्यादा, लाइक एज अ पाकिस्तान भी हमारी बहुत बड़ी दुश्मन कंट्री है, लेकिन एक अच्छे रिलेशन को स्टार्ट करते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने एक ये पहल स्टार्ट करी थी कि पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस अच्छे बने, तो इस वजह से उन्होंने पाकिस्तानी सीरियल्स यहाँ इंडिया दिखाने शुरू किए। देखे, हमने भी देखे, बहुत लोगों ने देखे, बहुत अच्छे सीरियल्स होते हैं, कॉन्सेप्ट अच्छा होता है, छोटे सीरियल्स होते हैं, 2-3 महीने के अंदर खत्म हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट सबसे बड़ी बात है, उनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता है, सेकेंडली कल्चर बहुत अच्छा दिखाया जाता है, यू कैन वॉच देयर सीरियल्स, देयर मूवीज विद योर फैमिली, नॉट लाइक इन आर कंट्री, ठीक है। हमारी कंट्री में वेस्टर्न कल्चर इतना ज्यादा वेस्टर्नाइजेशन हावी हो चुका है कि मैं ओपनली मोबाइल पे कह सकती हूँ, आप सब बच्चों से कह सकती हूँ कि नाउ हॉलीवुड जो है टोटली नेकेड, मतलब वो न्यूड होके कैमरे के सामने आना पसंद करते हैं, कि जितना ज्यादा कम कपड़े पहने उतने हम अच्छे लगेंगे और उतनी हमारी फिल्में बहुत ज्यादा सुपर डुपर हिट जाएंगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट इन बॉलीवुड एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट इन आर कंट्री इंडिया। तो इंडिया जो है, इंडियन जो बॉलीवुड है और इंडियन पीपल्स भी जो है, वो इंडिया का कल्चर, इंडिया का कॉन्सेप्ट जो है भूल चुके हैं, और हिंदुस्तान की ये बहुत ही मुझे खराब बात लगती है कि हिंदुस्तान का अब कोई कल्चर रहा ही नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर वेस्टर्नाइजेशन इतना ज्यादा हावी हुआ है कि कुछ तो मैंने
मैं यहाँ कैमरे के सामने मैं बोल सकती हूँ कि कुछ तो मैंने ऐसे YouTube पे ऐसे टीचर्स देखे हैं जिन्होंने YouTube को ही ड्रेसिंग रूम बना लिया है, ठीक है, और YouTube पे ही वो कपड़े चेंज कर रहे हैं, और एंड ऑल्सो दे आर टीचर्स. दैट पर्टिकुलर जो गर्ल है शी इज टीचर, शी यूज टू बी कॉल्ड हर सेल्फ टीचर, शी यूज टू बी कॉल्ड हर सेल्फ टीचर, अपने आप को टीचर कहती है. बस दो साल से यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू कर दिया, कुछ लाखों में फॉलोअर्स हो गए, ठीक है. उनकी एक्टिंग की वजह से, वो पढ़ाती कम है, एक्टिंग ज्यादा दिखाती है, ठीक है ना. और एक अलग उनका एक चैनल चल रहा है मैजिक पिल नाम से, जहां पर वो बाकी डेली के हैक्स बताती हैं, क्रीम पाउडर लगाना बताती हैं, कपड़े पहनना बताती हैं, और पूरा ड्रेसिंग रूम उन्होंने यूट्यूब को बना रखा है. कपड़े भी वहीं उतारे जाएंगे यूट्यूब पे, कपड़े पहने भी यूट्यूब के ऊपर ही जाएंगे. एंड सच अ वल्गर गर्ल शी इज, सच अ वल्गर गर्ल की मतलब ये समझ लीजिए कि टीचर की जो एक रिस्पेक्ट कभी हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया में जो टीचर की जिस तरीके से रिस्पेक्ट की जाती थी, फॉरेन कंट्री की तो हम बात ही नहीं कर रहे. टीचर की एक रिस्पेक्ट थी, गुरु जिसे कहा आता था, उस टीचर की रिस्पेक्ट की उस बंदी ने, उस लड़की ने ऐसी की तैसी कर दी है, ठीक है. दे शो देयर ऑल बैक, दे शो देयर यू नो वेस्ट, दे शो देयर ब्लाउज एंड एवरीथिंग. ये कल्चर है, ये इंडिया का कल्चर है, ठीक है. सो खैर एनीवेज ये सब मैं डिस्कस करने नहीं निकली हूँ. तो व्हाट आई सेड कि हाँ, टर्की का मैं आपको एग्जांपल दे रही थी. तो उस चैनल पे आपके कुछ टर्की के सीरियल्स भी स्टार्ट किए थे, एंड मे बी यू हैव सीन आल्सो, लाइक बहुत फेमस सीरियल था आपका फेरिया करके, ठीक है, और भी बहुत सारे सीरियल्स थे. तो टर्की इज अ मुस्लिम कंट्री, टर्की प्रॉपर मुस्लिम कंट्री है, लेकिन आप वहां का अगर कल्चर देखोगे, वहां के लोगों का पहनना ओढ़ना, कपड़े एंड ऑल दैट, शादियां, दैट इज नॉट मुस्लिम्स. वो मुस्लिम की तरह नहीं होता है. सिर्फ मुस्लिम में उनका क्या है, नाम के लिए वो मुस्लिम कंट्री है, कुरान पढ़ते हैं, पढ़ते होंगे, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. लेकिन टर्की का टोटल कल्चर जो है वो यूरोपियन कल्चर है. वहां शादी भी क्रिश्चियंस की तरह वो लोग वाइट ड्रेस पहनते हैं, जैसे हम क्रिश्चियंस पहनते हैं. हमारे यहाँ ज्यूश जो है, ज्यूश जो कि इसराइल के जो यहूदी लोग हैं, वो उनके यहाँ जो शायद शादी होती है, क्योंकि वो बाइबल के अकॉर्डिंग शादियां करते हैं. तो ज्यूइश और क्रिश्चियंस की तरह जो शादी में गर्ल वाइट ड्रेस पहनती है, वो लोग मुस्लिम्स जो हैं वो वाइट ड्रेस पहनाते हैं, ठीक है. मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, ठीक है. और इतना ज्यादा मॉडर्नाइजेशन है वहां पे, इतना ज्यादा यूरोपियन कल्चर इतना ज्यादा हावी है, क्योंकि अर्लियर इस वजह से भी है क्योंकि यूरोप ने कई साल पहले तक, जो हमने बैक में जो हिस्ट्रीज पढ़ी है आपने, नेशनलिज्म इन यूरोप वगैरह पढ़ा, तो उस समय यूरोप ने जो है पूरा, पूरी जो यूरोपियन कंट्रीज और ये टर्की और टर्की के आसपास की जितनी कंट्रीज थी, इनके ऊपर कई सालों तक कब्जा किया हुआ था. तो कई सालों तक जो कब्जा था वहां पर, वो यूरोपियन पीपल्स जो थे वो टर्की आके सेटल डाउन हो गए, वहां रहने लग गए, उन्होंने अपना कल्चर स्टार्ट किया, और उनके कल्चर को टर्की के जो मेन जो पीपल्स थे, मुस्लिम जो लोग थे वहां के, उन्होंने प्रॉपर तरीके से उसका और यूरोपियन कल्चर को जो है अडॉप्ट कर लिया, टोटल प्रॉपर तरीके से. उनका पहनना ओढ़ना मुस्लिम के जैसा है ही नहीं, सिर्फ मुस्लिम कहने के लिए कंट्री है. मुस्लिम सिर्फ कुरान पढ़ते होंगे तो पढ़ते होंगे, नहीं शायद वो भी नहीं पढ़ते होंगे, ठीक है. लेकिन टोटली वहां पर जो है यूरोपियन कल्चर की बहुत ज्यादा छाप है. अगर आप वहां के सीरियल्स देखें, मूवीज देखें, वहां जाकर भी अगर आपको मौका मिलता है, घूम सकते हैं, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं कि टर्की कैसी कंट्री है, तो आप देखोगे मस्जिद वगैरह सब कुछ होंगी वहां, चर्चेस भी है, क्रिश्चियंस भी वहां आज भी रहते हैं, क्रिश्चियंस ज्यूइश यहूदी वगैरह पीपल्स वहां रहते हैं, और मुस्लिम्स भी रहते हैं, लेकिन कल्चर वहां का टोटली यूरोपियन कल्चर है वहां पे. तो मतलब बहुत ज्यादा यूरोपियन कल्चर की वहां पर छाप छोड़ी हुई है. सो एज द सेम एज इट इज, यहाँ पर जो 59% पीपल है बेल्जियम में, वो फ्लेमिश है, इसकी जो है वहां पर कल्चर जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट किया हुआ है उन 59% पर, ठीक है. लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक्स द डच लैंग्वेज, वो डच लैंग्वेज बोलते हैं. Another 40% people live in a Wallonia region. दूसरे जो 40% people हैं वो Wallonia region में रहते हैं and speak French. ठीक है, वो French 40% लोग जो और हैं वो Wallonia जो region है वहां रहते हैं, वो लोग French बोलते हैं. ठीक है, द रिमेनिंग 1%, अब बच जाते हैं यहाँ पर बेल्जियम के 1% पीपल्स. ठीक है, तो 1% पीपल स्पीक्स जर्मन, क्योंकि वो यहाँ पर ये जर्मन से जो बॉर्डर है बेल्जियम का मिलता है, तो वो लोग जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं. ठीक है, क्योंकि 1% इधर आ जाएगा. इन द कैपिटल सिटी फ्लेमिश जो है वो आपका नीदरलैंड का है, नीदरलैंड की लैंग्वेज है. ठीक है, तो ये गलत हो गया यहाँ पे, 59% ये इस वाले रीजन में है.
ये 59% इस वाले रीजन में है जो कि फ्लेमिश बोल रहा है, ठीक है, ये यहाँ का नहीं है। और 40% जो है वो आपका फ्रेंच बोलते हैं, वो फ्रेंच कंट्री से जो अफेक्टेड है, मतलब फ्रेंच का जो बॉर्डर जो है बेल्जियम में मीट कर रहा है, ठीक है। स्पीक्स जर्मन, जर्मन हो गया 1% एंड द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, जो बेल्जियम की कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स, 80% ऑफ द पीपल स्पीक फ्रेंच, तो ब्रुसेल्स में करीब 80% लोग हैं जो फ्रेंच लैंग्वेज ही बोलते हैं, ठीक है। वाइल 20% आर डच स्पीकिंग, अब बेल्जियम की जो कैपिटल है वहां पे 80% फ्रेंच बोलते हैं, 20% पीपल जो है वो डच बोलते हैं। क्या यार किस तरीके को, तो समझ में कैसे आती है फ्रेंच और डच और फ्लेमिश, किस तरीके से लैंग्वेज इनको समझ आती है, जर्मन कोई जर्मन बोलता है, कोई फ्रेंच बोल रहा है, कोई डच बोल रहा है, बात कैसे करते होंगे ये लोग आपस में, गॉड नोस। खैर एनीवेज, अभी हमें इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, अभी कैसे देखते हैं कि गवर्नमेंट ने कैसे इनकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व करी है। सो द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, तो माइनॉरिटी जो थी पीपल, माइनर पीपल जो थे वो क्या बोल रहे हैं फ्रेंच पूरे बेल्जियम में, माइनॉरिटी यानी कम पीपल जो हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, लेकिन वो रिच हैं और पावरफुल हैं, बट दे आर रिच एंड पावरफुल, ठीक है। सो माइनॉरिटी में है, जो माइनॉरिटी पीपल है वो फ्रेंच बोलते हैं, कम जिन जिन लोगों की पॉपुलेशन कम है वो फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है। बेल्जियम में रहने वाले पीपल्स वो फ्रेंच बोलते हैं, लेकिन वो माइनॉरिटी में तो कम है, लेकिन वो रिच है और वो पावरफुल पीपल्स है, यानी कि पैसे में बिजनेसमैन हैं और गवर्नमेंट में ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, तो दैट इज वाई। सो द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, सो इसलिए क्या है, जो डच बोलते हैं कम्युनिटी में, जो डच बोलने वाले कम्युनिटी में, जो डच बोलने वाले पीपल्स हैं, उनको बेनिफिट किसका मिलता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एंड एजुकेशन का उनको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, मच लेटर शोड द रिसेंटमेंट, मतलब उनको जो एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो बेनिफिट बहुत बाद में मिलना शुरू हुआ, ठीक है। एंड दिस लेड टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग, अब इसके वजह से क्या हुआ, जब लोगों को देर में, थोड़ी देर में जाके जब कुछ ये चीज आई, चीजें जो है जब कुछ समझ में आई, लोगों को बाद में कुछ चीजें ये समझ में आई, तब क्या हुआ, यहाँ पर डच स्पीकिंग जो कम्युनिटी थी या पीपल्स थे और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स थे, दोनों में आपस में जो है कॉन्फ्लिक्ट हो गया ड्यूरिंग 1950 और 60 के बीच में, चार पांच साल, छह साल, सात साल जो है ये कॉन्फ्लिक्ट चला दोनों के बीच में। तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज वाज मोर सिवियर इन ब्रुसेल्स, और ब्रुसेल्स में जो है ये धीरे 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 ये कॉन्फ्लिक्ट जो है बहुत ज्यादा सिवियर हो गया, बहुत ज्यादा सीरियस हो गया ये। एंड बिकॉज द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूट अ मेजोरिटी इन द कंट्री, क्योंकि डच स्पीकिंग पीपल्स जो थे वो कंट्री में ज्यादा थे, डच बोलने वाले पीपल्स जो थे वो ज्यादा थे, ज्यादा कॉन्स्टिट्यूट कर रहे थे कंट्री के अंदर, बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल, लेकिन माइनॉरिटी पीपल्स जो कि फ्रेंच बोलने वाले जो पीपल थे वो ज्यादातर सिर्फ कैपिटल सिटी में ही तक ही सीमित थे। तो ये लड़ाई जो थी इनकी बढ़ती चली गई, इसलिए फिर डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स में बाद में जो है पावर्स को से इक्वली जो है शेयर डिवाइड करना पड़ा, दैट इज पावर शेयरिंग। सो नेक्स्ट हम जो एग्जाम्पल लेंगे, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा अबाउट द कंट्री श्रीलंका। ओके, बेल्जियम हमने देख लिया क्या प्रॉब्लम्स थी इनकी, अब हम देखेंगे श्रीलंका में क्या प्रॉब्लम्स थी। सो नेक्स्ट आता है श्रीलंका। श्रीलंका ऑब्वियसली ऑल ऑफ यू नो इट्स एन आइलैंड आल्सो एंड इट्स अ कंट्री आल्सो। सो श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन इन साउथ एशिया लोकेटेड अबाउट 31 किलोमीटर ऑफ सदर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, और इंडिया के कहां पे लोकेटेड है ये भी आपको पता है, सो आई डोंट थिंक सो आई नीड टू टेल यू अबाउट दैट वेयर इज श्रीलंका लोकेटेड। ओके, फिर भी मैंने यहां बता दिया, तो डायरेक्शन बता दिया, सदर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। सो इट इज अबाउट 20 मिलियन पीपल्स की जो वहां पर पॉपुलेशन है। अभी थोड़े दिन पहले आपने श्रीलंका की हालत देखी होगी, टीवी में न्यूज में आया था श्रीलंका में कि जो है किस तरीके से श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है वो श्रीलंका छोड़ के भाग गई, सब इधर उधर चले गए, और वहां के पीपल्स में पूरी कंट्री में जो है अफरा तफरी मच गई, सब एक दूसरे को मार रहे थे, सिंगली तमिलियंस को मार रहे थे, तमिलियंस श्रीलंकांस को मार रहे थे, जो श्रीलंका के जो मेन प्रॉपर है वो सिंगाली लोग हैं, ठीक है, वो तमिलियंस को मार रहे थे। तमिलियंस वो है हमारे इंडिया के जो तमिलनाडु के, जो आज से करीब 400-500 साल पहले जाकर वहां पर सेटल्ड हुए, ठीक है। सो इसीलिए यही प्रॉब्लम है वहां के, पावर शेयरिंग की प्रॉब्लम ये है कि
बंगाली और तमिलियंस जो है वो बराबर का पावर्स को मांगते हैं कि हमें पावर्स दी जाए या हमें पावर्स दी जाए, इस तरीके का है, ठीक है। इशू शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया, अभी वी विल कंटिन्यू हम पढ़ेंगे। सो मैप में मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी कि श्रीलंका की क्या पोजीशन है, श्रीलंका में कितने सिंगाली हैं, कितने तमिलियंस हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कहाँ कहाँ पर कौन कौन से जो सी है वो सिलोन मूर है जो कि तमिलियन, तमिलियन की कौन कौन सी जाति है। सिंगाली की दो जाति है, लो कंट्री जो कम मतलब लो कैटेगरी वाले पीपल्स हैं, दूसरी है कंडियाना। और सिंगली दो जाति है, तमिल की दो जाति है, सिलोन और इंडियंस। इंडियंस वो है जो इंडियन तमिलियंस है वहां जाकर 400-500 साल पहले जो सेटल्ड हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर मैप में दिखाया हुआ है डार्क ब्लू में, आप देख सकते हो, यहाँ पर बुक में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, जो इंडियंस जो तमिलियन है वो कहाँ कहाँ रहते हैं, जो डार्क ब्लू शो किया हुआ है, ठीक है। फिर सी 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 जहां पर लिखा है ये सिलोन मूर है, ये भी एक जाति एक तरीके की, ठीक है, जो वहां पर रहती है। सिंघाली कंडाला जो है, सिंघाली की जो कंडियान जाति है, कंडियान वो देखो आप ग्रे में दिख रही होगी, जहां जहां पर वो ग्रे में जो आपको दिख रही होगी वो कंडियान जाति है। और सिंघालीज की जो लो कंट्री है वो आप देख सकते होगी कि लो कंट्री वाले पीपल जो है वो कहाँ कहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। ओके तो कंटिन्यू करते हैं। लाइक अदर नेशन इज द साउथ एशियन रीजन, तो अदर बाकी नेशंस की तरह ये भी एक साउथ एशियन रीजन है। श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन, श्रीलंका की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डाइवर्स है, ठीक है। यहाँ पे सिंगली और तमिलियंस में इस तरीके की लड़ाई जो है भाई कई सालों से चल रही है। एंड सिंगलीज कम्युनिटी फॉर्म द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो जो सिंगालीज जो कम्युनिटी है यहाँ पर, ठीक है, सिंगाली कम्युनिटीज जो है वो मेजॉरिटी में है, ज्यादा उनकी मेजॉरिटी है पॉपुलेशन की। एंड इट कंट्रीब्यूट करीब 74% जो जाति है वो सिंघाली पॉपुलेशन की है, ठीक है, विद तमिलियंस हु आर मोस्टली 18%। और जो तमिल्स हैं या तमिलियंस बोल सकते हैं वो करीब है 80%। तो ऑब्वियसली सी बात है कि इनकी ज्यादा चलेगी इनकी ज्यादा नहीं चलेगी, लेकिन बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे हमारी है इंडिया है, बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते दोनों को हर चीज में बराबर इक्वल राइट मिलना चाहिए, हर चीज में इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी, ठीक है, हर चीज में इक्वल राइट्स, इक्वल फंडामेंटल राइट्स एंड ये सारी चीजें, डेमोक्रेसी राइट्स, ये सब मिलने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है वहां पर और नहीं हुआ कई साल से, कुछ टाइम तक रहा। और अभी आपने देखा ही है श्रीलंका की हालत, अभी कुछ साल, एक साल पहले शायद थी, एक डेढ़ साल पहले पूरा सब वहां पे खत्म हो चुका, बर्बाद हो गया, गवर्नमेंट भाग गई, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स जितने थे वो सब भाग गए बाहर, उन्होंने खूब पैसा जमा कर रखा था, उन्होंने अपना पैसा उठाया बाहर के स्विस बैंक्स में भी, ब्लैक मनी वो लोग अपना जमा करके रखते थे, उन्होंने प्लेन की टिकट कटाई और कहीं कहीं इधर उधर वहां जाके चले गए, अब वो बस ही गए होंगे। और श्रीलंका की जो हालत है वहां के लोगों की बहुत ही ज्यादा बुरी हो गई, श्रीलंका के जो पीपल्स थे वो वहां की पार्लियामेंट में जाके घुस के वहां पर जाके बैठ गए, अब वहां पे क्या हो रहा है अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। खैर, कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द आइलैंड, तो जो तमिलियंस हैं वो ज्यादातर श्रीलंका, अगर ये श्रीलंका है हम देखते हैं, ठीक है, तो जो तमिलियंस हैं वो ज्यादातर आइलैंड के किस पार्ट में रह रहे हैं, कंसंट्रेटेड इन नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ आइलैंड, नॉर्थ में और आपका ईस्ट वाले पार्ट में आइलैंड के, और नॉर्थ वाले पार्ट में ज्यादातर तमिलियंस रह रहे हैं, ठीक है। फॉर्मिंग द लार्जेस्ट एथनिक माइनॉरिटी, तो यहां पर उन्होंने लार्जेस्ट एथनिक माइनॉरिटी बना रखी है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो यहाँ पर रह रही है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है, ठीक है, यहाँ के लिए बहुत बड़ी है, लेकिन ओवरऑल कम है, लेकिन वो माइनॉरिटी में है, ठीक है। अदर कम्युनिटीज इंक्लूड द मुस्लिम्स, बाकी इनके अलावा वहां पे मुस्लिम्स भी हैं। अमंग तमिल्स देयर आर टू सब ग्रुप, अब तमिल में ही दो सब ग्रुप है जो आपको बताया, सिलोन और इंडियंस, ठीक है। तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिलियंस, वो तमिल जो वहां पर कई सालों से रह रहे हैं और 13% है उनको वहां का कहा जाता है श्रीलंकन तमिल्स कहा जाता है। तमिल हु वर ब्रॉट एज इंडेंटर लेबर फ्रॉम इंडियन बाय ब्रिटिश कॉलोनी, ब्रिटिशर्स के टाइम पे वो तमिलियन, वो साउथ इंडियन, साउथ तमिलनाडु के लोग जो ब्रिटिशर्स के टाइम पर, ब्रिटिशर्स ने वहां से तमिलनाडु से लोगों को, लेबरर्स को उठाया, वहां ले गए, जो काले पानी की सजा दी जाती थी कहते थे, तो वो श्रीलंकन आइलैंड तक लेके गए, वैसे वो अंडमान निकोबार छोड़ के आते थे उन लोगों को, लेकिन वो श्रीलंका तक भी लेकर गए, वहां पर लेबर्स एज अ लेबर उनसे काम करवाया, यहाँ के जो लेबर थे उनको वहां लेकर गए एज अ लेबर, उनसे वहां पे भी काम करवाया जब ब्रिटिशर्स ने श्रीलंका को भी अपनी कॉलोनीज बनाया था। कॉलोनीज टू वर्क ऑन स्टेट प्लांटेशन आर कॉल्ड इंडियन ओरिजिन तमिल्स,
उनको आज वहां पे इंडियन ओरिजिन तमिल्स कहा जाता है और जो कि हैं करीब 5%, ठीक है, और वहां के जो तमिल्स हैं वो है आपके 13%। ये हो गया। नाउ मोस्ट ऑफ द सिंघाला, जो सिंघाला स्पीकिंग पीपल है, जो वहीं के ही लोग हैं, ठीक है, आर बुद्धिस्ट। तो ज्यादातर श्रीलंका में कौन सा रिलीजन है? बुद्धिस्ट रिलीजन है, ठीक है। तो जो सिंघाला पीपल हैं वो जो है वो ज्यादातर बुद्धिस्ट है, बुद्धिज्म को मानते हैं, बौद्ध को मानते हैं, बुद्धिस्ट है, ठीक है। बाकी वहां पे तमिलियंस के अलावा जो है वहां पे मुस्लिम्स भी हैं, मुस्लिम तमिल्स हैं वहां के, मुस्लिम तमिल्स, ठीक है। पीपल आर बुद्धिस्ट व्हाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदू। तो बुद्धिस्ट के अलावा जो बाकी तमिल्स हैं वो वहां पर हिंदू है और मुस्लिम्स हैं, ठीक है। सो हिंदू भी हैं और मुस्लिम्स भी हैं, ओके। सो देयर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिंघाला। अच्छा, क्रिश्चियंस की जो पॉपुलेशन है वहां पर वो है आपकी 7%, ठीक है। सो ये है मुझे कि अभी पता चला कि क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन बहुत कम है, बट आई यूज टू नो कि क्रिश्चियंस काफी होंगे वहां, काफी हैं वहां पर, क्योंकि एज यू नो श्रीलंका में क्रिश्चियंस और बुद्धिस्ट जो रिलीजन है वो काफी वहां पर फेमस माना जाता है। क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट, ये दो रिलीजन वहां पे काफी फेमस माने जाते हैं। हिंदू भी है, लेकिन इतना हिंदू क्रिश्चियन से हिंदू आई थिंक सो 5% है, ठीक है, नहीं 5% नहीं है ये सब, हाँ ठीक है, हिंदू भी है लेकिन जो है बुद्धिस्ट और क्रिश्चियनिटी वहां पे ज्यादा फेमस है। हिंदू और मुस्लिम से हैं लेकिन हैं बहुत, होंगे बहुत रहते हैं वहां पे, लेकिन इतना फेमस, मतलब इतना ज्यादा कहते हैं ना, इतना फेमस नहीं है वहां पर जैसे हमारे इंडिया में है, इतना नहीं है। तो वहां पे 7% आपके क्रिश्चियंस हैं, और जो क्रिश्चियंस हैं दे आर अबाउट तमिल एंड सिंघाला। तो वो जो है तमिल क्रिश्चियंस हैं और सिंघाला क्रिश्चियंस, सिंघाला यानी कि जो वहीं के ही लोग हैं वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। सो इन बोथ द कंट्रीज सम पीपल और कम्युनिटीज आर इन मेजोरिटी वाइल अदर इन माइनॉरिटी। तो दोनों ही कंट्री में जो हमने बेल्जियम का एग्जाम्पल देखा और जो यहाँ अभी हम श्रीलंका का एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो इसमें दोनों में ही आप ये चीज देखो कि कहीं पे कुछ कम्युनिटी माइनॉरिटी में है, कहीं पे कुछ कम्युनिटीज जो है वो मेजोरिटी में है, ठीक है। अदर इन माइनॉरिटी एंड कम्युनिटीज आर इन मेजोरिटी वाइल अदर इन माइनॉरिटी। नाउ लेट अस स्टडी हाउ बोथ द कंट्रीज ट्राई टू सॉल्व दीज इश्यूज। अब हम डिस्कस करेंगे कि इन दोनों कंट्रीज ने इस तरीके के ये गड़बड़ झोल को, इसको जो है कैसे सॉल्व किया वहां की गवर्नमेंट ने, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है मेजोरिटेरियंस इन श्रीलंका, यानी कि जो मेजोरिटी ऑफ पीपल्स थे उनको किस तरीके से पावर्स को शेयर किया गया और किस तरीके से गवर्नमेंट वहां पर रन कराई गई, कैसे गवर्नमेंट बनाई गई, मेजोरिटियंस जो थे, मेजोरिटिज्म जो था उसको कैसे उसको लेकर कैसे गवर्नमेंट जो है रन कराई गई, ठीक है, श्रीलंका को कैसे, कंट्री को कैसे रन कराया गया। सो श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री 1948, तो 1948 में जो है श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन के आई थी, ठीक है। 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और 1948 में श्रीलंका, ठीक है। So 1948 में श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ। एज डिस्कस्ड अर्लियर द सिंघालीज वर इन मेजोरिटी, जैसे पहले बताया आपको कि सिंघालीज जो थे वो मेजोरिटी में थे। सो द लीडर ऑफ द सिंघाला कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट। तो जो लीडर था सिंघाला कम्युनिटी का, जो मेन लीडर था, वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहा था कि भाई जब हमारी मेजॉरिटी कंट्री में जो है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स हम लोग ज्यादा हैं, तो गवर्नमेंट जो है वो सिंघाला कम्युनिटी की ही बननी चाहिए। तो वो गवर्नमेंट को फोर्स कर रहा था, गवर्नमेंट बनाने, मतलब लोगों को गवर्नमेंट सिंघाला गवर्नमेंट बनाने के लिए फोर्स कर रहा था। सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाई वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी। सो एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड
एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिकली इलेक्ट हुई थी यानी कि बाई प्रॉपर वोटिंग के थ्रू जो गवर्नमेंट इलेक्ट हुई थी, उस गवर्नमेंट पे सिंघाला कम्युनिटी का लीडर प्रेशर बना रहा था. तो जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी एडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियंस, तो उन्होंने एक मेजोरिटेरियंस की एक सीरीज को एडॉप्ट किया. क्या था कि मेजर टू एस्टैब्लिश सिंघाला सुप्रमेसी. तो उन्होंने ये किया कि भाई जो ऐसा करते हैं कि मतलब गवर्नमेंट में क्योंकि मेजॉरिटी सिंघाला की ज्यादा है, तो गवर्नमेंट में सिंघाला कम्युनिटी के पीपल्स की सुप्रमेसी को हम सिक्योर कर देते हैं, यानी कि उनकी कम्युनिटी के कुछ एक आध मिनिस्टर्स जैसे ज्यादा कर देंगे, उनको सिक्योर कर देंगे. टू सिक्योर मेजोरिटेरियनिज्म द गवर्नमेंट टुक फॉलोइंग मेजर. तो मेजोरिटेरियनिज्म को सिक्योर करने के लिए वही जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट थी उसने कुछ मेजर्स लिए. तो मेजर्स क्या थे वो, इन 1956 एन एक्ट वॉज पास्ड अंडर विच इंग्लिश वॉज रिप्लेस्ड बाई कंट्रीज ऑफिशियल लैंग्वेज. तो 1956 में एक एक्ट पास हुआ जिसमें क्या किया, इंग्लिश को रिप्लेस कर दिया गया उनकी अपनी ओन सिंघाला लैंग्वेज से. ठीक है, इंग्लिश को रिप्लेस, पहले मतलब पहले इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज थी, ऑफिशियल लैंग्वेज कंट्रीज लैंग्वेज थी. ठीक है, सो इंग्लिश वॉज रिप्लेस्ड बाय कंट्रीज ऑफिशियल लैंग्वेज, नॉट बाय सिंघाला एंड तमिल बट सिंघाला ओनली. मतलब ऐसे नहीं किया उन्होंने कि इंग्लिश को रिप्लेस करके तमिल कर दें या कुछ कर दें, उन्होंने सीधा जो है रिप्लेस कर दिया सिंघाला से. ठीक है, इंग्लिश की जगह इंग्लिश वॉज रिप्लेस्ड एज द कंट्रीज ऑफिशियल लैंग्वेज, नॉट बाई सिंघाला एंड तमिल बट सिंघाला ओनली. सिर्फ सिंघाला रख दिया उन्होंने. ठीक है, द गवर्नमेंट फॉलोड प्रिफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिंघाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजिशन एंड गवर्नमेंट जॉब. अब इन्होंने क्या किया, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में प्रोफेशनल जॉब्स में इन्होंने क्या किया, क्योंकि सिंघाला की मेजॉरिटी ज़्यादा थी तो इसलिए इन्होंने क्या किया, सिंघाला को हर जगह पर, सिंघाला कम्युनिटी के लोगों को हर जगह पर पहले प्रेफरेंस देने का प्रावधान रखा. ठीक है, कि अगर मान लो कोई गवर्नमेंट जॉब है या कोई यूनिवर्सिटी में कहीं पर कोई जॉब से करती है कुछ, तो वहां पे लाइक जो भी यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट जॉब्स जो भी आती थी तो वो लोग क्या करते थे, लाइक जैसे हमारी कंट्री में है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स तो जो थे कई साल पहले तक बहुत ही बैकवर्ड रहे. ठीक है, उनको किसी भी चीज में आगे नहीं रखा जाता था. या आपने देखा है भीमराव अम्बेडकर जो सीरियल चल रहा था उसमें भी आपने देखा है कि शेड्यूल कास्ट के साथ, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर शेड्यूल कास्ट में थे. ठीक है, वाल्मीकि जिन्हें कहा जाता था, ठीक है, और वाल्मीकि जो थे आपके वो भी शेड्यूल कास्ट में थे, तो उन को हमेशा बैक में देखा जाता था. भीमराव अम्बेडकर को स्कूल में क्लास में बैठने नहीं दिया जाता था, स्कूल में घुसने नहीं दिया जाता था, ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, तो जब देश आज़ाद हुआ बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ, बहुत 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 हर चीज़ में डेवलपमेंट हुआ, तो गवर्नमेंट ने भी सोचा कि भाई शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो हमारी कम्युनिटी है एक ऐसी कम्युनिटी है जो बहुत ही वो माइनॉरिटी में भी कम्युनिटी है, वो हमेशा बहुत बैकवर्ड रहती है, तो लोगों को लोग उनको नहीं अपना रहे हैं. ठीक है, जो हिंदू पंडित वगैरह हैं ये लोग बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट बनते थे अपने आप को. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, हर चीज में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को जो है कोटा देना शुरू कर दिया. लाइक द सेम हेयर इज कोटा. ठीक है, अब जो है कभी भी कोई भी मतलब अब ये स्थिति और सिचुएशन हो गई है कि कहीं भी किसी यूनिवर्सिटी हो गए, कॉलेज हो गए, गवर्नमेंट जॉब हो गया, कुछ भी हो गया, स्कूल कॉलेज कुछ भी, एनीथिंग प्राइवेट तुम्हें तो नहीं, लेकिन गवर्नमेंट सारे सेक्टर्स में जो है सबसे पहले शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब का कोटा सबसे ज्यादा होता है और उनको पहले चांस दिया जाता है. जो हम जैसे जर्नल लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाले जो जर्नल है, उनका कोटा भी कम होता है, मतलब वैकेंसी भी कम होती है इन कंपेरिजन शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स की वैकेंसी ज्यादा होती है. वही इन्होंने किया, इन्होंने क्या किया, सिंघाला को मेजोरिटी ऑफ पीपल्स को हर चीज में कोटा देना शुरू कर दिया. न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म. नए कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने क्या किया कि जो स्टेट है क्या, सो जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें यह था कि स्टेट जो है
वो बुद्धिज्म को फॉस्टर करेगा एंड शेल प्रोटेक्ट करेगा, यानी बुद्धिज्म जो रिलीजन है, जो लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, क्योंकि श्रीलंका में सबसे बड़ा रिलीजन जो है वो बुद्धिज्म है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया कि स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है वो बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करे, बुद्धिज्म रिलीजन को प्रोटेक्ट करे और फॉस्टर करे उसे, ठीक है। सेकेंड जो आपका मेजर्स थे वो मेजर्स ये लिए गए मेजोरिटेरियनिज्म को बचाने के लिए, फोर्थ मेजर जो था वो ये लिया, डिनाइल ऑफ सिटीजनशिप टू स्टेट तमिल्स, जो स्टेट में जो प्लांटेशन करने के लिए जो लेबर्स लेकर आते थे ना ब्रिटिशर्स, वहां पर जो तमिलियंस रहते थे उनको डिनाइल ऑफ सिटीजनशिप, उनको मतलब सिटीजनशिप देने से जो है उनको मना कर दिया। सो अब क्या होता, अब सिविल वॉर चलने लग गई, स्टार्ट हो गई, बहुत टाइम तक इन लोगों का लड़ाई झगड़ा आपस में जो है चलता रहा। अभी यहाँ पर क्या हुआ, फाइनली आई थिंक सो 1983 में मैंने आप लोगों को गलत बोला कि क्या कहते हैं, हमारे सामने ये सब कुछ हुआ था, हमारे सामने नहीं हुआ था। तो ये था कि हाँ उसका जो फाइनल रिजल्ट हुआ था, जो फाइनल रिजल्ट था वो हमारे सामने हुआ था, तो वी आर ऑल्सो वेरी यू नो क्रूशियस वॉन्ट टू नो कि फाइनल रिजल्ट मतलब ये जो हो रहा है, ये चीजें हो रही है, ये क्यों हो रही है, तो उसके बैक की स्टोरी फिर हमें मतलब न्यूज के थ्रू ही शॉर्ट में हमें पता लगी कि भाई ये श्रीलंका में ऐसे ऐसे हालात थे, ऐसी ऐसी चीजें हुई जिसके वजह से ये पार्टी बनी, और ये पार्टी बनने के बाद फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ये हुआ। उसका फाइनल रिजल्ट जो मैं आपको बता देती हूँ वो ये था, डेथ ऑफ राजीव गांधी। फाइनल रिजल्ट उसका था डेथ ऑफ राजीव गांधी से, कि क्यों मारा, किस लिए मारा, कैसे मारा, वहां से पीछे स्टोरी हम बहुत ज्यादा क्रूशियस थे जानने के लिए। तो और माई फादर इज फ्रॉम इंडियन आर्मी, तो वो न्यूज में हर समय बैठे रहते थे। तो राजीव गांधी की डेथ के बाद ये पूरी स्टोरी, पूरी जो रियलिटी है, जो चीजें थी, ये न्यूज में हर टाइम जो है शॉर्ट में बताई जाती थी, ठीक है। एंड एट दैट टाइम वी विल ऑल्सो इन स्कूल एंड कॉलेजेस, सो उस टाइम पर हमें यही सारे चैप्टर्स जो थे वो स्टडी कराए जाते थे। खैर एनीवेज, सो सिंस 23 जुलाई 1983 में, बहुत बैक का टाइम पीरियड है ये, we are not there at that time, so there has been on and off civil war start ho gayi predominantly between the government and the liberation tigers of tamil elam, ye tha main important jo political organization jo main important banayi thi jise short mein litte kaha jata tha, ye bahut famous hua tha, to isi se hi humko matlab news mein ye dikhaya jata hai, iska jo leader hai, leader tha sorry जो इसका लीडर था, अभी मुझे उसका नाम याद नहीं है, जो उसको भी कॉल्ड उसे टाइगर बोला जाता था, ये लीडर की जो डेथ है, लीडर को जो मारा गया था, वो एट दैट टाइम हम लोग थे, तो वो हमारे सामने ही न्यूज में दिखाया था कि कैसे मारा गया था लिट्टे के लीडर को। तो लिट्टे ये न्यूज में हम बहुत सुनते थे, तो बाद में जब हम छोटे थे तब ये सुनते थे, और फिर जब 10th में आए, 11th और 12th में आगे फिर हमने इसके बारे में फिर स्टडी किया, फिर पता चला, पढ़ा, तब भी इतना कॉन्शियस नहीं था कि भाई क्या है क्या नहीं है। खैर अब चीजें जो है बैक सब समझ में आती है कि हाँ व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन फॉर ऑल दिस। तो तमिलियन जो पीपल्स थे उनका एक हेड बना, सारे तमिल के जो श्रीलंकन तमिल्स थे उन्होंने एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एंड दैट इज लिट्टे 23 जुलाई 1983 में, ठीक है। और इसका एक लीडर था, उसका नाम अभी मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, और आई डोंट थिंक सो कि उसका नाम यहाँ पर दिया होगा, इसका नाम यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अभी सुनते तो थे हम लोग, लेकिन इसका नाम यहाँ अभी मुझे रिमेम्बराइज नहीं है। खैर एनीवेज, तो इनका लीडर था जिसको वैसे टाइगर बोला जाता था, लेकिन मतलब इसका नाम कुछ और था। तो ये एक लिबरेशन बनाई इन्होंने तमिलियंस के सारे ऑर्गेनाइजेशन, तमिल सारे तमिलियंस ने, और इन तमिलियंस को इंडिया के तमिलनाडु जो हमारा स्टेट है यहाँ से भी फुल सपोर्ट मिलता था, गवर्नमेंट
भी इनको सपोर्ट करती थी तमिलियंस को, ठीक है। इसी वजह से क्या हुआ, श्रीलंका में ये लड़ाई तमिली और सिंघाली की जो थी और ज्यादा बढ़ती चली गई, क्योंकि उन तमिलियंस को इंडिया से सपोर्ट मिल रहा था और इंडियन गवर्नमेंट भी सपोर्ट दे रही थी, ये फैक्ट है, न्यूज में दिखाया गया है। और एट दैट टाइम जब इस लीडर को मारा गया था, जब वहां पर लड़ाई झगड़ा चल रहा था, बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसके लीडर को ढूंढा जा रहा था, ठीक है, लिट्टे बहुत फेमस हो चुका था श्रीलंका में। और बाद में मतलब पहले तो इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, भाई अपने हक के लिए लड़ रहे थे तो इसमें कुछ गलत नहीं था, लेकिन स्लोली स्लोली ये पकड़ पकड़ के जो है जो सिंघाला जो पीपल्स थे, ठीक है, सिंघाला पीपल्स को जो है ये लोग मारने लग गए थे, ठीक है, सिंघाला के लोगों को जो है ये पकड़ पकड़ के मारने लग गए थे, उनको खत्म कर रहे थे, ठीक है। तो ये कोई ठीक चीज नहीं थी, ठीक है। तो आप अपने हक के लिए आप शांति से तरीके से जो है आप चीजों को आगे फॉरवर्ड करो, लेकिन आप हाँ जो ये लिट्टे ग्रुप बना, ऑर्गेनाइजेशन बना लेटर ऑन, एक तो बनाई थी पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल लिबरेशन पार्टी बनाई थी, जिसका देखो नाम भी है इसका लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल, एलम आर नोन एज अ तमिल टाइगर्स, तमिल टाइगर्स इन लोगों को बोला गया, क्योंकि तमिल में जो तमिलनाडु में टाइगर्स बहुत हैं, ठीक है। तो ये अपने आपको टाइगर्स बताते थे, अ सेपरेटिस्ट आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन हु फाइट फॉर द क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट नेम तमिल एलम इन द नॉर्थ एंड द ईस्टर्न ऑफ द आइलैंड। और ये ऑर्गेनाइजेशन चाहती थी कि तमिलियंस का जो है एक अलग नेशन होना चाहिए, एक अलग नेशन होना चाहिए श्रीलंका के नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ आइलैंड, ठीक है, समझ आया, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ आइलैंड में तमिलनाडु का, तमिलियंस का स्पेशली, सॉरी तमिलनाडु का नहीं, तमिलियंस का जो है एक अलग नेशन दे दो, मतलब ये मांग कर रहे थे गवर्नमेंट से कि आप हमें एक अलग नेशन दे दो, तमिलियंस वहां पे सारे तमिलियंस रहेंगे, जो श्रीलंका ही तमिलियंस है, ठीक है, लेकिन है वो श्रीलंका के लोग है, ठीक है, जो सालों पहले आके जो बस गए, जो मैंने आपको बताया ब्रिटिशर्स के टाइम से, ठीक है। तो इन्होंने ही ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई, लेकिन अब ये आर्म्ड फोर्स ऑर्गेनाइजेशन थी, सी हियर इट इज रिटन सेपरेटिस्ट आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन हु फाइट फॉर द क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट दैट इज तमिल एलम इन द नॉर्थ एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ आइलैंड, आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये समझ में आ रहा है ना आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन में क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन पहले पॉलिटिकल पार्टी बनी, फिर ऑर्गेनाइजेशन बनी, और ये ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन बन गई, यानी इनके पास ये जो थे अब अपने साथ हथियार वगैरह जो है सारी चीजें रखने लगे थे, और इन्हीं हथियारों के बल पे जो है ये सिंघाला पीपल्स को पकड़ पकड़ के वहां पर ये लोग अब मारने लगे थे, जान से खत्म कर देते, कहीं भी अब सिंघाला सिंघली लोग मिल जाते, सिंघली लोगों को बहुत मारा जा रहा था, मारते जा रहे थे, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, वो भी गलत है, ठीक है। सो लिट्टे बाद में लेटर ऑन गवर्नमेंट ने, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने जो है, श्रीलंकन गवर्नमेंट हाँ स्पेशली ऑब्वियसली श्रीलंका में दे तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ही करेगी, तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने जो है इनको एज अ नेम दे दिया टेररिस्ट ग्रुप, क्योंकि अब जो थे ये ऑर्गेनाइजेशन तमिल ऑर्गेनाइजेशन नहीं रही, ये जो थी, क्योंकि अब ये जो है लोगों को मार रहे थे, स्पेशली सिंगाली जो पीपल्स थे उनको जान से मार रहे थे, जान से खत्म कर रहे थे, तो ऑब्वियसली सी बात है ये अब टेररिस्ट ग्रुप बन चुका था, लिट्टे अब एक टेररिस्ट ग्रुप बन चुका था कई सालों के बाद, ठीक है। जब इन्होंने पहले तो डिमांड करी गवर्नमेंट से, नहीं पूरी हुई, फिर बाद में धीरे धीरे ये एक ऑर्गेनाइजेशन से, आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन से हथियार रखना शुरू कर दिए इन्होंने, हथियार ये लोग यहाँ वहां से श्रीलंकन गवर्नमेंट से या श्रीलंका की जो आर्मी थी उनको उनसे छीन लाते थे, सप्लाई हो रहे थे कहीं से, वहां से छीन लाते थे, अटैक करके छीन लाते थे, साथ ही साथ दूसरी चीज इंडिया से भी इनको हथियार सप्लाई किए जा रहे थे, तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से, तमिलनाडु स्टेट से इनको हथियार सप्लाई किए जाते थे, ये फॉर श्योर है, फैक्ट है, ठीक है। और हमारी तमिलनाडु गवर्नमेंट तो थी और हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी तमिल के इन लोगों जो लिट्टे पीपल्स थे इनको जो है हथियार सप्लाई करने में इनको सपोर्ट करती थी इनडायरेक्टली वे में छुप के, ठीक है। तो इनको हथियार यहीं से मिलते थे, तो हथियार के बल पे इन्होंने कई सिंघाली पीपल्स को जो है बहुत सारे सिंघाली पीपल्स को इन्होंने मारना शुरू कर दिया। नाउ अब कितने लोगों को मारा, ओवर 70,000 पीपल हैव बीन ऑफिशियली लिस्टेड एज किल्ड इन द वॉर सिंस 1983। जब से इनकी ऑर्गेनाइजेशन बनी तब से कई सालों तक जो है करीब ये सिविल वॉर नहीं थी, मतलब सिविल वॉर थी, तमिलियंस भी बहुत मरे, लेकिन इन लोगों ने दोनों तरफ से, ये आ रहा है डाटा यहाँ पर दिया है, बट ओरिजिनली अगर आप देखोगे तो गूगल पे कुछ और ही डाटा होगा, ठीक है। 70,000 लोग जो थे अब तक इस
वॉर में जो है मर चुके थे. एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स डेडलीएस्ट ऑन गोइंग आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट इट हैज कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल. और इसने लोगों की सोशल कल्चर इकोनॉमिक सभी तरीके की लाइफ को हर एस्पेक्ट में पीपल्स की श्रीलंकन पीपल्स की और तमिल पीपल्स की लाइफ को जो है अफेक्ट किया. नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ द लीडर ऑफ लिट्टे ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे कि लिट्टे के लीडर का नाम क्या था. ठीक है. सो जो लास्ट मैंने आपको बताया कि उनको नागरिकता का अधिकार नहीं दिया गया, मतलब नागरिकता का अधिकार साथ ही साथ उनको मतलब जो प्लांटेशन वाले एरिया में जो तमिल्स रहते थे उनको संपत्ति से भी उनकी संपत्ति से भी वंचित कर दिया गया और उनको नागरिकता का अधिकार नहीं दिया. ठीक है. सो ये सारे जब चेंजेस आए तो इससे बहुत सारे इसके अलावा और भी कुछ चेंजेस थे, इन्होंने कुछ सिर्फ फोड़ दिए हुए हैं. ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अनदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिएशन अमंग द श्रीलंकन तमिलियंस. दे श्रीलंकन तमिलियंस के अंदर जो है गवर्नमेंट के प्रति एक अलगाव पैदा हो गया. ठीक है. और अलगाव के साथ साथ उनके तमिलियंस श्रीलंकन तमिलियंस के दिल में सिंघालियों के प्रति भी अलगाव पैदा हो गया, दुश्मनी पैदा हो गई. एंड दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द बुद्धिस्ट सिंघालीज वर सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर. मतलब उनको अब ये समझ में आ गया कि कोई भी मेजोरिटी पॉलिटिकल पार्टी जो भी जीतेगी, मेजोरिटियों में से जो भी सिंघाली बुद्धिस्ट पार्टी जो भी बनेगी वो उनके लैंग्वेज और उनकी कल्चर के प्रति सेंसिटिव नहीं होगी, मतलब संवेदनशील नहीं होगी, उनकी लैंग्वेज और उनके कल्चर को जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगा जो उनको मेजोरिटियंस को जो इम्पोर्टेंस मिल रहा है. ठीक है. तो तमिलियंस को ये बात समझ आ गई थी. एंड दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट पॉलिसी डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट. और उनको ये भी समझ में आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उन्होंने उन पॉलिसीज में तमिलियंस को इक्वल राइट देने से डिनाई कर दिया गया. देखो पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट, उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट देने से बना कर दिया गया है जो सिंघालियों ने, जो गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. एज अ रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन द सिंघालीज एंड द तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेंड ओवर टाइम. और धीरे धीरे क्या हुआ, सिंघाली और तमिलियंस के बीच में ये अलगाव जो था ये बढ़ता गया, दुश्मनी बढ़ती गई. एंड द श्रीलंकन तमिलियन फॉर्म्ड पार्टीज एंड लॉन्चेस स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज. अब तमिल्स जो थे, श्रीलंकन तमिल्स ने क्या किया, अब उन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी पार्टी बनाई और बड़ी पार्टी बनाने के बाद उन्होंने उस पार्टी के लिए बहुत स्ट्रगल किया रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अ तमिल, और उन्होंने स्ट्रगल किया कि तमिल जो है वो वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज बने. लेकिन वैसे देखा जाए तो तमिल ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं भी होनी चाहिए क्योंकि वहां पर मेजोरिटी, ऑब्वियसली सी बात है कि वहां पर मेजोरिटी सिंघालास की थी, तो सिंघाला अगर ऑफिशियल लैंग्वेज है तो इट्स ओके फाइन. हाँ ये हो सकता था कि गवर्नमेंट अब उनको मतलब क्योंकि मेजोरिटी ऑफ पीपल्स को उनको जो सिंघाला का जो पॉलिटिकल लीडर था वो कह रहा था ना कि हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें सिक्योर करनी है अपनी पोजीशन गवर्नमेंट के अंदर, तो इस वजह से उन्होंने ये सारे मेजर्स लिए. तो उसके साथ 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 इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज अगर बना देते तो इतना ज्यादा एग्रेशन श्रीलंकन तमिलियंस में नहीं होता. ठीक है. सो इन्होंने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए, ऑफिशियल लैंग्वेज तो तमिल बनी नहीं सकती क्योंकि बहुत ही कम थे, बहुत ही थोड़े थे. खैर फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब. और साथ ही साथ वो जॉब में और बाकी अपॉर्चुनिटीज भी, जॉब में भी अपनी सिक्योरिटी मांग रहे थे तमिलियंस और बाकी चीजों के लिए भी अपॉर्चुनिटी मांग रहे थे. ठीक है, ये सही है कि उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए हर चीज में, ये बात बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, तो ये बात जो है बिल्कुल सही है कि उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए हर चीज में, इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब, एजुकेशन में भी और जॉब्स में भी. बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड ऑफ तमिल वाज रिपीटेडली डिनाइड. लेकिन उनकी डिमांड जो थी वो रिपीटेडली जो है डिनाई करी जा रही थी, उनकी जो डिमांड थी उनको रिपीटेडली मना किया जा रहा था, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा ना आ रही थी उनके लिए. इन 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म्ड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इलम स्टेट इन नॉर्थ ईस्टर्न श्रीलंका. अब क्या हुआ, 1980 में बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स थे, उसमें इंडिया के भी
तमिलियंस शामिल थे। इसमें जो यहाँ पर ये हुआ, जो तमिलियंस सिंघाला के खिलाफ अगेंस्ट जो लड़ रहे थे, तो यहाँ पर इंडियन तमिलियंस पीपल्स जो थे वो श्रीलंका के तमिलियन पीपल को सपोर्ट कर रहे थे। यहाँ पे क्योंकि इतनी लॉन्ग लंबी स्टोरी नहीं दी हुई है, एंड जो एक्चुअली में जो हुआ है वो हमने न्यूज़ में देखा है, हमने सारी चीज़ें, ये सब कुछ जो हुआ है वो हमने सब अपने सामने से देखा है, ठीक है। सो दैट्स वाई आई नो सारी चीज़ें न्यूज़ में आती थी कि यहाँ पर जो इंडियन तमिलियंस थे वो भी श्रीलंकन तमिलियंस को जो है सपोर्ट कर रहे थे कि किसी तरह श्रीलंका में जो है तमिलियंस तमिल ऑफिशियल लैंग्वेज बने, तमिलियंस ठीक है, तमिलियंस को अधिकार मिलना चाहिए हर चीज के लिए, गवर्नमेंट में, एजुकेशन में प्रॉपर इक्वल राइट मिलना चाहिए, दैट आई एग्री। लेकिन उसके साथ साथ वो और भी बहुत ज्यादा अधिकार मांग रहे थे, तो वो हो मतलब बट नेचुरल कि वो पूरा नहीं हो सकता, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने सारी जो छोटे छोटे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे जिनको इंडिया की तमिलनाडु की कंट्री, तमिलनाडु स्टेट, जो इंडिया का तमिलनाडु स्टेट है और तमिलियन से यहां से भी सपोर्ट मिल रहा था, तो वहां पे कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन श्रीलंका में फॉर्म्ड डिमांडिंग एंड इंडिपेंडेंट, उन्होंने क्या किया, एक इंडिपेंडेंट तमिल नेशन वो चाहते थे, इंडिपेंडेंट तमिल एलम स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट श्रीलंका, यानी कि ये अगर श्रीलंका का पार्ट है तो नॉर्थ और ईस्ट में जो है आपके तमिल्स बहुत थे, तो वो चाह रहे थे कि श्रीलंका के नॉर्थ ईस्ट में ये तमिलियंस का एक अलग नेशन बन जाए तमिलियंस का, ठीक है। सो ये उनकी डिमांड थी, एंड नाउ द डिस्ट्रस्ट बिटवीन टू कम्युनिटीज टर्न इंटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट एंड अल्टीमेटली इंटू अ सिविल वॉर। ये जो डिस्ट्रस्ट था गवर्नमेंट के ऊपर, डिस्ट्रस्ट यानी कि जो सिंघाला थे वो भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, और तमिलियन तो वैसे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके साथ वैसे देखा जाए तो बहुत ज्यादा जाति हुई उनके साथ, कि उनको बिल्कुल भी इक्वल जो राइट्स थे पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इक्वल राइट्स उन्हें नहीं दिए गए थे। सिंघाला गवर्नमेंट ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें तमिलियंस के लिए इक्वल राइट नहीं थे, साथ ही साथ उनको अपनी संपत्ति नहीं मिल रही थी, तमिलियंस को जो प्लांटेशन वाले एरिया में जो श्रीलंकन तमिलियंस थे उनको नागरिकता का अधिकार भी नहीं मिल रहा था। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती गई धीरे 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 बहुत, और धीरे धीरे ये जो गैप था, वाइड स्प्रेड गैप जो था सिंघाला और तमिलियंस के बीच में, ये बढ़ता चला गया, एंड फाइनली इट ब्रोक आउट अ सिविल वॉर विद इन द कंट्री। जैसा कि अभी सिविल वॉर हुआ अभी एक साल पहले कंट्री में, उसी तरीके का सिविल वॉर हो गया, और यहां पर सिंघाला और तमिलियंस जो थे अब आमने सामने, इन लोगों की लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था।